यानी कि चार आइटम फ्री है इसके साथ। फ्री का एक है तो कॉफी है, मुझे तो लग नहीं रहा ओरिजिनल है कहीं से। अच्छा फ्री में मिल रहा है तब तो अच्छा ही है। तो दान की बसिया के दांत नहीं देखते साहब। आप सेटिस्फाइड नहीं है जेजे कम्युनिकेशन? जो सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पागल बना रहे लोगों का, हवा बना रखा है। यहाँ पे लोग इतनी दूर दूर से आके भीड़ में जमा हो रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं रोहिणी ईस्ट में जेजे कम्युनिकेशन। मैंने एक फोन खरीदा है 14 प्लस, ठीक है ना, जो कि मार्केट प्राइस से इक्वल ही था, बट ये है कि थोड़ा गिफ्ट आइटम मिल गया, बट वो उतना जरूरी नहीं था। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी दिल्ली यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारी दिल्ली यात्रा का तीसरा दिन है और आज हम आपको मोबाइल दुकान जेजे कम्युनिकेशन दिखाने वाले हैं, जो कि दिल्ली का सबसे फेमस मोबाइल दुकान है। आपने दुबई में झमझम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सुना होगा, उसी के तर्ज पर दिल्ली में है जेजे कम्युनिकेशन। पूरा देश जानता है जेजे कम्युनिकेशन को, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। जो मनीष जैन है जेजे कम्युनिकेशन के ऑनर हैं, हर जगह फेमस हैं और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए देश के कोने कोने से मोबाइल खरीदने के लिए लोग आते हैं। तो आज हम आपको पूरा लोकेशन भी बताएंगे कहाँ पर जेजे कम्युनिकेशन है दिल्ली में। और दोस्तों अभी हम हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन। यहाँ रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना है। आप दिल्ली में कहीं से भी आते हैं तो पहले आपको कश्मीरी गेट आना है और कश्मीरी गेट से आपको डायरेक्ट रिठाला का मेट्रो पकड़ना है और रिठाला के रास्ते में पड़ता है रोहिणी ईस्ट। और रोहिणी ईस्ट जो नंबर वन गेट से आप बाहर निकलते हैं, पहले नंबर स्टेयर से बाहर निकलते हैं तो पिलर नंबर 395 96 के बीच में। दोस्तों आप देख रहे हैं रोहिणी ईस्ट में जेजे कम्युनिकेशन, ये शॉप है जेजे कम्युनिकेशन का। और ये आप देखिए यहाँ पर सैकड़ों की भीड़, मोबाइल खरीदने के लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आए लोगों से बात करेंगे। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? भाई हम बताएंगे नहीं कहाँ से आए, पर आप पूछो आपको क्या पूछना है। यहाँ पर जो मोबाइल खरीदने के लोग इतनी भीड़ आई है, कैसे यहाँ पर मोबाइल मिलता है, कैसा रेट रहता है? कुछ नहीं है, बस पागल बना रहे लोगों का, वीडियो बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, 3-4 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर ले रखे हैं, इंस्टाग्राम पर मिलियनों में व्यूज है, उससे पैसा कमा रहे मोटा, बाकी कुछ नहीं। कभी कभार 10-5 मिनट के लिए दुकान पे आए, फ्री किसी को एक आध आदमी को वीडियो बना के दे गए, ये है सीन। फ्री में गिफ्ट भी बांटते हैं? कुछ नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल फोन इन्होंने मुझे बताया, iPhone 14 Pro 96,000 रुपए का बताया, वो इंटरनेशनल है, उसके साथ बिल भी नहीं मिल रहा है। इनकी दुकान का खुद का बिल मिलेगा, बस एक साल की आपको वारंटी मिल जाएगी, पर कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मोबाइल है वो, आपको तो इंटरनेशनल में तो 20-30 हजार वैसे ही सस्ता मिल जाएगा, क्या फायदा है यहाँ से लेने में उसको, क्या फ्री दे रहे हैं हमें, कुछ नहीं दे रहे फ्री। ये तो बोलते हैं कि मतलब सारे मोबाइल पर 90% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है, बैंक आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, एप्पल स्टोर कहीं भी चले जाओ कोई भी बैंक 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है आपको, तो वो ये लोग दे नहीं रहे, अपनी जेब में लगा रहे, प्लस 2% आपके कार्ड पे टैक्स और ले रहे हैं। किस बात का ले रहे हैं? कोई भी नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं, ये लोग काट रहे हैं 2% फालतू काट रहे हैं, 5,000 जो हमारा बचना है वो भी नहीं बच रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं है जेजे कम्युनिकेशन? जो सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पागल बना रहे लोगों का, हवा बना रखा है। यहाँ पे लोग इतनी दूर दूर से आके भीड़ में जमा हो रहे हैं, राशन की तरह लाइन लग रही है यहाँ पे, जैसे लॉकडाउन में लगी थी, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा, जिस तरह से अस्पताल में टोकन सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको टोकन मिलेगा और इंतजार करना पड़ेगा, घंटों इंतजार करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, तो ये बड़ा मतलब अजीब सिस्टम लगा, बहुत यूनिक सिस्टम भी है, और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं? जिला जालौन से। अच्छा, क्या मतलब सोच के आया था कि क्या मिलेगा यहाँ? हम ये सोच के आए थे, जो वीडियो में देखते हैं लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं, वॉच दी जाती है, बड्स दिए जाते हैं, हमें वो मिलेंगे और फोन सस्ते भी मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे टोकन दिया गया है, 4 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, ये मेरा टोकन नंबर है और ये मेरा आधार कार्ड है, मैं कहाँ से आया हूँ आप समझ सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, झांसी के पास पड़ता है। आप मतलब दिल्ली में आए थे कुछ और काम से मोबाइल खरीदने के लिए? स्पेशल फोन लेने आए हैं सर यहाँ पे। अच्छा। कोई काम नहीं है यहाँ, कोई रहता भी नहीं हमारे रिलेटिव। हाँ। मैंने फोन भी करा, जो इनका इंस्टाग्राम पे जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर मैंने कॉल करी, तो नीचे कस्टमर केयर की दो लड़कियाँ बैठी हुई है, मतलब गर्ल्स बैठी हुई है, वो उस कॉल को हैंडल करती है, और कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको मोबाइल मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता उम्मीद है, जब मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ अभी तक कोई उम्मीद नहीं हुई, तो अब आगे क्या उम्मीद होगी। ये भाई साहब देखिए बड़ा दुखी हैं, कितना टोकन नंबर है? मेरा टोकन नंबर है 221। आज तो उम्मीद नहीं है। एक बात और बता दूं भाई तुम्हें, भाई एक बात और सुन लो, मैंने बताया तो नहीं मैं कहां से आया हूं, पर मैं 10,000 रुपए अपने ट्रेवल में खर्च करके आया हूं यहां पर।
अच्छा मोबाइल खरीदने के लिए? ट्रैवलिंग में 10,000 रुपए तीन लोग आए हम खर्च करके आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, वो और घाटा। कब से आप खड़े हैं? हम खड़े हैं यहाँ पे करीब 3 या 4 घंटे हो गए हमें। हम सुबह टोकन नंबर क्या है? टोकन नंबर हमारा 155 था, वो फेंक दिया। आप बताइए, आपको नीचे बुला रहे हैं? नीचे बुला रहे हैं, नीचे। हाँ मैंने दो, क्या मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा यहाँ पर मोबाइल है, कैसा मनीष भैया का बिहेवियर वगैरह है? मनीष भैया तो बिहेवियर तो उनका बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे अच्छे से सबके साथ पेश आते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि टोकन सिस्टम है, वो आपको लाइन के जरिए ही आना पड़ेगा और आपको यहाँ पे मोबाइल परचेज करना पड़ेगा। मैं भी 2 महीना पहले आया था यहाँ पे फोन लेने के लिए। कौन सा मोबाइल खरीदा आपने? मैंने 14 प्लस खरीदा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ए फोन खरीदा है 14 प्लस, ठीक है ना, जो कि मार्केट प्राइस से इक्वल ही था। बट ये है कि थोड़ा गिफ्ट आइटम मिल गया, बट वो उतना जरूरी नहीं था। बट ए फोन गिफ्ट जो देते हैं मनीष भैया, वो कैसा रहता है? गिफ्ट तो कॉपी ही रहता है और ओरिजिनल तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। जो भी गिफ्ट दे रहे हैं वो कॉपी ही रहता है और बस आप जस्ट यूज कर सकते हो कि हाँ आई वॉच पहन रहा हूँ। फ्री में मिल गया गिफ्ट, कम बात है। नहीं नहीं, फ्री में मिल गया वो तो ठीक है, बट ऐसा थोड़ा। फिर आप दोबारा फिर आए? हाँ जी, दोबारा फिर मैं आया हूँ। इस बार मैं सोच रहा था, बहुत सारे स्टोर्स ट्राई किया था 15 प्रो मैक्स लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक बार ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है मिल जाए। उम्मीद है मिल जाएगा? बिल्कुल, मैंने एक ब्लॉग देखा था मनीष भैया का, उसमें एक बंदे ने लिया था, तभी मैं आया हूँ बहुत दूर से। तो एक जेजे कम्युनिकेशन के बारे में सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर हर स्टॉक आपको मिल जाएगा, जो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पर आपको जेजे कम्युनिकेशन में मिल जाएगा। और अभी हम दुकान के अंदर जाकर के देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, कौन कौन सा स्टॉक आपको मिल सकता है। और दोस्तों, जेजे कम्युनिकेशन शॉप के अंदर जाने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए हमको भी टोकन मिल गया है 285, यानी 285 नंबर हमारा आएगा दोस्तों, तब हम मोबाइल दुकान के अंदर जा पाएंगे, मोबाइल अंदर का हम देख पाएंगे। दोस्तों आखिरकार हमारी बारी आ गई है, हमारा टोकन नंबर आ गया है और अभी हम आ चुके हैं जेजे कम्युनिकेशन शॉप के अंदर। और मेरे पीछे आप देखिए, अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, क्योंकि जेजे कम्युनिकेशन के जो मालिक हैं मनीष जैन जी, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर मोबाइल खरीदने के लिए आते हैं, सेकेंड हैंड भी, नया भी। विशेषकर यहाँ पर आईफोन खरीदने के लिए लोग आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आईफोन का अलग जो है यहाँ पर काउंटर है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और एक काउंटर है जिसमें सारे ब्रांड के मोबाइल यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों आप देखिए, यहाँ रोहिणी ईस्ट में जेजे कम्युनिकेशन मोबाइल खरीदने के लिए यहाँ पर ग्राहकों की भीड़। ये जो है आईफोन का काउंटर है भाई, डीप में जा रहे हो क्या? महसूस करेंगे सब कुछ होता है। बोल दो भाई, बॉक्स में यहाँ पर आपको नया मोबाइल भी मिलेगा, पुराना मोबाइल भी मिलेगा, एक्सचेंज भी होता है। और अभी हम यहाँ बात करेंगे भाई साहब से, ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सा मोबाइल मिलता है, नया मिलता है, पुराने मिलता है, वैरायटी कौन कौन सा है? भाई साहब मोबाइल मिल गया यहाँ? हाँ मोबाइल मिल गया है। कौन सा मोबाइल खरीदा? 13। दिखाइएगा जरा। ये रहा भाई साहब के पास मोबाइल, नया बिल्कुल है। बिल्कुल नया है। इसके साथ साथ क्या मिला? इसके साथ में एक बड्स मिली है, एक वॉच मिली है और एक अडेप्टर मिला है। और बैग भी तो दिया भाई। और बैग है ये। अच्छा, यानी कि 4 आइटम फ्री है इसके साथ। फ्री का एक है तो कॉपी है, मुझे तो लग नहीं रहा ओरिजिनल है कहीं से। अच्छा, फ्री में मिल रहा है तो अच्छा ही है। तो धान की बछिया के दांत नहीं देखते साहब, धान की बछिया के दांत नहीं देखते। का ये फोन आपको पड़ा? 56 का। कौन सा है? आईफोन 13 प्रो? प्रो नहीं है, आईफोन 13 है, 156 जीबी, 128 जीबी।